बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट मार्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने लेक्चर इंग्लिश का पेपर जो शुरू किया था, पार्ट 3 अपलोड कर लेते हैं। दो पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। ये पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 8 नवंबर 2020 को हो चुका है। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखे दोस्तों, दिस वन, एमिली ब्रोंटे रोट ओनली वन नावल इन टाइटल। तो जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इन क्वेश्चंस को एमएस वर्ड में मैं लिख चुका हूं, वहां से हल करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 देखें, दिस वन, एमिली ब्रोंटे रोट ओनली वन नावल इन टाइटल। उसका नावल का नाम था वोटरिंग हाइट्स। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 27 जो है, द पेरी क्वीन इज एन। द पेरी क्वीन जो है, देखें ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, द पेरी क्वीन इज अ नैरेटिव पोइम है। ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 28 देखे दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन, दिस वन, जॉर्ज लॉयड इज द पिन नेम ऑफ। जॉर्ज लॉयड वाज द पिन नेम या इज द पिन नेम, दोनों एक जैसे है, कोई बात नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, मैरियन इवेंस। और क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन था, दिस वन, इंटेलेक्चुअली अज्यूमिंग ऑटोरिंस कैलकुलेटेड टू डिलाइट एंड सरप्राइज इज कॉल्ड। 29 नंबर, दिस वन, इंटेलेक्चुअली अम्यूजिंग ऑटोरेंसेस कैलकुलेटेड टू डिलाइट एंड सरप्राइज। इसमें बाकी ऑप्शन सही तरह नजर नहीं आते, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 30 देखे, 30 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, द साउंड मेड विद एयर पासिंग थ्रू द नोज एंड मेकिंग द इंग साउंड ऑफ सिंग, ठीक है, इस कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, मेकिंग द इंग साउंड, इज मेकिंग द बिंग, ये इंग साउंड है दोस्तों, इंग साउंड, इंग। क्वेश्चन नंबर 30, इसका ऑप्शन ए ऑप्शन इसमें करेक्ट था, नेजल साउंड उसको कहते हैं, नेजल, ठीक है, 30 में ऑप्शन ए नेजल। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड द ओरिजिनल बंगाली पोइम्स ऑफ ज्यूटिनेली इनटू इंग्लिश। देखिए यहां से, हु ट्रांसलेटेड द ओरिजिनल बंगाली पोइम्स ऑफ ज्यूटिनेली इनटू इंग्लिश, 50 में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, टैगोर। और क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दिस वन, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द पोइट्स ऑफ द एडन ग्रुप। एडन ग्रुप्स को जो नाम दिया गया है, क्वेश्चन दिस वन, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द पोइट्स ऑफ द एडन ग्रुप, न्यू रोमांटिक्स, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 33 देखे, 33 नंबर क्वेश्चन, एजर एलन
ओ रोट रिवॉल्व्स फॉर अ ईयर फॉर द मैगजीन, किस मैगजीन के लिए लिखा है? दिस इज द क्वेश्चन. एगर एलन पो रोट रिव्यू ईटीसी वगैरह फॉर अ ईयर फॉर द मैगजीन दिस साउथ लिटरेरी मैसेंजर, मैगजीन का नाम है. ऑप्शन ए करेक्ट है. और क्वेश्चन नंबर 34 देखे. 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट वाज अ न्यू सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग बुक, ये देखे दिस वन. व्हाट वाज अ न्यू सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग बुक डेवलप्ड इन द 1400, उसमें बाकी ऑप्शन सही तरह नजर नहीं आते. करेक्ट ऑप्शन इसमें मूवेबल टाइप, आई थिंक ऑप्शन बी करेक्ट था. और क्वेश्चन नंबर 35 जो था, 35 नंबर देखे दिस वन. डिडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम, डिडक्टिव मेथड्स प्रोसीड फ्रॉम लॉ एंड रूल टू ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है. और क्वेश्चन नंबर 36 देखे, 36 नंबर क्वेश्चन था दिस वन. होली सोनेट वॉज रिटन बाय, होली सोनेट 36, द होली सोनेट वॉज रिटन बाय डोने, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. और क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन. सिराजनी नीदोस पोएम द क्वींस राइवल इज बेस्ड ऑन, दिस वन. सरायुजनी नेदियो पोइम द क्वीन ऑफ राइवल इज बेस्ड ऑन अ पर्शियन लेजेंड, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. और क्वेश्चन नंबर 38 देखे, 38 नंबर क्वेश्चन. द वर्ल्ड नॉवल इज डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ल्ड, ये इटालियन वर्ल्ड से डिराइव करता है नॉवल, ऑप्शन ए. तकरीबन ये तमाम थोड़े थोड़े स्पेलिंग में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है. और क्वेश्चन नंबर देखिए 39 को दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 39 दिस वन. द नेम ऑफ द टेक्निक एम्प्लॉयड बाय जेम्स जोसी इन हिज नॉवल इज, 39 नंबर देखिए दिस वन. The name of the technique employed by James Joshi in his novel was first person narrative. ये first person narrative इसके साथ नहीं है, was, ठीक है. तो इसमें option actually option B correct option है, this one option B correct option है. और आज की वीडियो का आखिरी question देखिए, question number 40 को. This one, in Anglo-Saxon heroic poetry, what is the fate of those who fail to observe the sacred duty of blood? ये देखिए, this. और इसमें correct option, everlasting shame. Option B correct option है. तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो. पसंद आने की सूरत में प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें. Thank you for watching.